नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 370 क्या हटा पिछले एक महीने 11 दिनों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं। इधर भारत युद्ध की पूरी रणनीति में जुटा है और इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना ने दो मोर्चों पर लड़ाई करने के लिए अपने हथियार सीमा पर पहुंचा रहा है, उसकी तैनाती भी कर रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत ने अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए 144 M777 होविट्सर को सीमा पर तैनात कर दिया है। और मीडिया में आई रिपोर्ट की माने तो चीन भारत सीमा पर अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर तैनात कर दिया गया। कुछ तोपों को कश्मीर भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि चीन भारत सीमा पर अरुणाचल की पहाड़ियों पर भारत ने होविट्सर को आग उगलने के लिए तैनात कर दिया है। इससे दो देशों की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान की हालत तो 370 से ही खराब है और इमरान की घर में ही ऐसी की तैसी हो रही है। लग रहा है कि भारत को युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भारत की युद्ध रणनीति से चीन पशुपेश में फंस गया है कि किधर जाए। अगर पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत के साथ अमेरिका और रूस आ जाएंगे और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के साथ मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। इसलिए चीन की होविट्सर तोपों और चीन सीमा के पास भारत की तैयारी से बीजिंग परेशान हो गया है। अब हम थोड़ी होविट्सर की ताकत के बारे में बताते चले, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना टेंशन में आए। होविट्सर तोप काफी हल्की है। इस तोप को हेलीकॉप्टर से सीमा पर ले जाया जा सकता है। होविट्सर का वजन करीब 4 टन है, वहीं बोफोर्स का वजन करीब 11,500 किलोग्राम है। होविट्सर की रेंज करीब 25 से 40 किलोमीटर है। भारत ने अमेरिका से 145 तोप खरीदा है। 145 M777 होविट्सर तोपों को दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों में गिना जाता है। यहां पर एक फैक्ट बताते चले कि बोफोर्स तोपों के बाद पहली बार सेना को सबसे ज्यादा आधुनिक तोपें मिली हैं। और आपको तो याद ही है कि कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना ने बोफोर्स के दम पर ही पाकिस्तान को हराने में कामयाबी हासिल की। भारत ने सीमा पर तैनात करने से पहले पोखरण में भारतीय गोलों के साथ होविट्सर का परीक्षण किया था, जिसमें सही पाए जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर चीन सीमा के पास उसे तैनात किया गया। सूत्रों की माने तो इसे अब बोफोर्स के साथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात करने की तैयारी है। भारतीय सेना का मानना है कि अगर लड़ाई हुई तो चीन भी पाकिस्तान की तरफ से कूद सकता है, तो इसीलिए दोनों सीमाओं को सुरक्षित करना जरूरी है। और इसी का नतीजा है कि होविट्सर तैनात किया गया है।